भाई ओम शांति। अभी आपने बताया कि मैं भरतपुर से आया हूँ, है ना? तो ये भाई जी भी बता रहे हैं मैं भरतपुर से आया हूँ। तो पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं यहाँ गुड़गांव सेंटर के पास, क्या नाम है इसका, ओ आर सी सेंटर पर आया हूँ। यहाँ मेरे को आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे बहुत अच्छी शांति है, बाबा का ज्ञान मिला है और ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। अच्छा, आप रेगुलर मुरली सुनते हैं? अच्छा, शाम को जाते हो सेंटर पे? अगर जैसे बाई चांस नहीं जाते हो ना तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लौकिक में घर से जाते हैं ड्यूटी काम पर, तो शाम को अपने घर ही लौट के आते हैं ना, तो ऐसी जो हमारे ब्रह्मा बाबा है ना और जो हमारा शिव बाबा है, तो वो भी हमसे उम्मीद करता है कि मेरा बच्चा सुबह मुरली सुन के गया है ना, तो शाम को तो आए एक बार अपनी दिनचर्या तो मुझे बताए। तो भाई ने देखो कितनी अच्छी तरीके से समझाया। अभी हमारा दूसरा भाई बोलेगा। चलो, आपने वैसे जो भक्ति मार्ग की बातें बोली वो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये जगह है ना, यहाँ इतना आत्माओं ने, बहन भाइयों ने योग किया, इतनी तपस्या की है, तो ये उसका वाइब्रेशन है। भले ही आप पुराने नहीं हो, मगर आत्मा फील कर रही है इस चीज़ को। ये जो शरीर है ना मोटा ताज़ा, ये नहीं है, वो आत्मा है ना, वो फील कर रही है शांति, और वो उसको महसूस कर रही है कि शांति है। तो जो हमारे अंदर जिस शांति, ये सात क्वालिटियाँ जो है ना, वो हमारे अंदर ही हैं, बस उसको जगाना है। शांति कहीं बाहर नहीं है और ना सुख और शांति कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। और सुख और शांति की दुनिया की तो तैयारी चली रही है। ठीक है भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो भी बोला ना। और आप जैसे जहाँ कहीं भी रहते हो ना, और भाइयों को जोड़ो, इस ज्ञान में लाइए, उनसे कहिए भाई ये आत्मा का ज्ञान है, अगर एक बार आप सुनिए तो सही। जिन्होंने सुना है ना, जैसे हमारे एक डॉक्टर भाई हैं सचिन मधुबन के अंदर, वो अपने माता पिता की एक ही थे और डॉक्टर थे, उन्हें बाबा ज्ञान हुआ ना, उन्होंने दुनियादारी छोड़ दी, आज वो बाबा का ज्ञान सुनाते हैं। और देखो खूब पैसे वाले थे और पढ़ाई से भी खूब बढ़िया थे। तो ऐसे हैं, पता नहीं किस आत्मा को कहाँ से टचिंग हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।